अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बिहार राज्य अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान का शनिवार को कुशेश्वर स्थान जाने के क्रम में मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत नपटोलिया चौक के पास जदयू कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने एक स्वागत समारोह का भी आयोजन रखा था, जहां मंत्री जमा खान के साथ जदयू प्रदेश महासचिव मेजर हैदर इकबाल, जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जमाल, प्रदेश अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष अब्दुल बाकी, प्रदेश अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष शमजाद अहमद खान अपनी टीम के साथ रुके। इस दौरान दरभंगा जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष अबू सहमा भी उपस्थित रहे। इस स्वागत समारोह में मंच संचालन अबू सहमा और फूल बाबू हसन परवेज और मोहम्मद इस्लाम ने संयुक्त रूप से किया। वही इस दौरान बेनीपुर प्रखंड के देवराम अमेठी पंचायत के मुख्यापति सपत्रकार सहाधिवक्ता फिरोज अहमद ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का शॉल और टोपी से स्वागत किया। सेवानिवृत्त शिक्षक मौलाना हाफिज ने प्रदेश अल्पसंख्यक अध्यक्ष मोहम्मद जमाल का साल और टोपी से स्वागत किया। वही प्रदेश अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष शमजाद अहमद खान और अब्दुल बाकी का भी जदयू कार्यकर्ताओं ने पाक टोपी से स्वागत किया। स्थानीय जदयू नेता मोहम्मद कलाम ने भी आए हुए सभी नेता का स्वागत किया। इस दौरान स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय का संपूर्ण विकास हो रहा है, जो इनके पहले कभी नहीं हुआ। आज प्रदेश में कहीं भी लोग निर्भीक होकर रहते हैं। मैं इस इलाके में जो भी अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित विकास के कार्य होंगे वो होगा। कहीं भी भेदभाव नहीं अपनाया गया है और न ही विकास कार्य को लेकर भेदभाव किया जाएगा। इस दौरान देवाराम अमेठी पंचायत के मुख्यापति फिरोज अहमद ने मंत्री से स्थानीय मदरसा नपटोलिया पंचायत में अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े विकास की मांग किया, जिस पर मंत्री ने संभव आश्वासन दिया। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।